नमस्कार प्रणाम। आज मैं बात करूंगा दोस्तों मिलेट के ऊपर। हमारे साथ बहुत से नए लोग जुड़ गए हैं जिन्हें मिलेट्स के बारे में अभी जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो दोस्तों उनको जो है उनके लिए मैं बना रहा हूं। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, इससे छोटे छोटे दाने से होते हैं मिलेट्स के, जिन्हें हम मिलेट्स कहते हैं। बेसिकली ये अनाज है दोस्तों, पांच प्रकार के अनाज अलग अलग जिनको हम रिकमेंड करते हैं खाने के लिए। ये हमारे ही देश के अनाज हैं, कहीं बाहर से नहीं आया है दोस्तों। हमारे पूर्वज लोग खाया करते थे, यहाँ तक कि आज से 50 साल पहले इसे खाया जाता था। मेरी मदर को याद है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस अनाज को। लेकिन अब पिछले 40-50 सालों के दौरान ये पूरी तरह से आप यूँ कह लीजिए कि विलुप्त हो गया, ठीक है। कुछ ही लोग जो है इसका सेवन करते थे, या देश के कुछ ही हिस्सों में इसे उगाया जाता था, खाया जाता था अभी भी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग गेहूं और चावल जो है अब खाने लगे हैं, तो इस वजह से ये एक किस्म का दोस्तों हमारे ही देश का अनाज है, लेकिन पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। लेकिन अभी भी हमारी किस्मत अच्छी है कि अभी भी कुछ लोग इसे उगाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले टाइम में सभी लोग इसकी खेती करेंगे, और करनी ही पड़ेगी क्योंकि दोस्तों इसके स्वास्थ्य लाभ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्वास्थ्य लाभ कैसे देता है इसी वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए, जिन पांच प्रकार के मिलेट्स की मैं बात करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, उन्हें आप नोट कर लीजिए। पहले अंग्रेजी में बताऊँगा फिर हिंदी में। लिटल मिलेट, फोक्सटेल, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, कोडो, ये पांच प्रकार के मिलेट्स हैं। वैसे तो दोस्तों हमारे देश में तकरीबन 9-10 प्रकार के मिलेट्स हैं, लेकिन केवल पांच प्रकार का ही हम लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसमें फाइबर की जो क्वांटिटी है दोस्तों वो बहुत ही संतुलित मात्रा में है। 6% से लेकर तकरीबन 12-13% तक फाइबर की क्वांटिटी होती है। बाकी के जो चार पाँच मिलेट्स है, बाकी इसको छोड़ के, उनमें फाइबर की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है दोस्तों। इसके अलावा एक मिलेट होता है रागी, तो रागी जो है दोस्तों उसको भी हम लोग रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो गर्मियों में, क्योंकि वो उसकी तासीर जो है ज़्यादा गर्म है, तो गर्मियों में वो खाया नहीं जाता है दोस्तों। तो इस वजह से हम लोग केवल इन्हीं पाँच मिलेट्स को रिकमेंड करते हैं। अब मैं इनको हिंदी में भी आपको बता देता हूँ। कंगनी काकुम सावा, हरी कंगनी और कोदरा, ठीक है। ये पांच प्रकार के दोस्तों, जिसे मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया। अब हम इसके गुणों को जानेंगे कि ये कैसे हमारी बीमारियों को ठीक करता है, कैसे यदि हम स्वस्थ हैं तो पूरा जीवन भर हमें ये स्वस्थ रख सकता है ये अनाज। देखिए, एक तो इसका जो फाइबर है दोस्तों इस तरह से अरेंज किया हुआ है, ठीक है, इसका जो फाइबर है इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि आप इसका यदि आटा भी बना दें और उसको चालें तो भी आप फाइबर अलग नहीं कर सकते हैं। बहुत ही बखूबी से इसका फाइबर दोस्तों अरेंज किया हुआ है भगवान ने। इसका फाइबर केवल और केवल आपका इंटेस्टाइन ही जो है अलग कर सकता है, नंबर एक क्वालिटी ये है। दूसरी क्वालिटी ये है दोस्तों कि फाइबर ज़्यादा होने की वजह से ये पेट को अच्छे से साफ करता है। गेहूं में ग्लूटेन होता है, इसके अलावा गेहूं आजकल आप चालोगे चलनी से तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता है, ठीक है, बिल्कुल फाइबर ज़ीरो। जो थोड़ा बहुत फाइबर होता है वो भी निकाल लिया जाता है, जिसको हम चोकर कहते हैं, तो वो एक तरह से मैदा बन गया है और वो हमारी आंतों में जाके चिपकता है। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि 90% बीमारियों का जो अड्डा है दोस्तों वो यही है, ये देखिए इतना सा एरिया है, अर्थात कॉलन, ठीक है। कॉलन अगर आपका साफ रहेगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है, आप 90% बीमारियों से बचे रहेंगे। लेकिन कॉलन आपका नहीं सही रहेगा तो आपको अनेकों बीमारियाँ जो है दोस्तों हो जाएंगी। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली साफ़ कर देता है, कॉलन को ही साफ़ कर देता है, कॉलन की अच्छे से सफाई करता है। कैसे करता है, क्योंकि इसमें फाइबर जो है अच्छी मात्रा में है, और फाइबर ऐसा है कि उसको अलग भी नहीं किया जा सकता है। तो
तो दूसरी इसकी क्वालिटी दोस्तों ये रही। तीसरी क्वालिटी ये है कि क्योंकि इसका फाइबर इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि इसे ना तो हम चलनी से चाल के इसको अलग कर सकते हैं, तो जो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो चीनी है इसके भीतर, वो धीरे धीरे दोस्तों निकलता है, हमारे ब्लड में धीरे धीरे अब्जॉर्ब होगा। अब कोई चीज़ ऐसी चीज़ आप खा लीजिए जिसमें फाइबर कम है, तो वो उसका शुगर डायरेक्टली ब्लड में घुस जाएगा पूरा का पूरा शुगर, तो क्या होगा, क्या बेसिकली आपकी नाड़ियों में शुगर की बाढ़ आ जाएगी एक किस्म की। मान लीजिए आप चीनी खा लेते हैं 100 ग्राम, तो 100 ग्राम चीनी एक झटके में पूरे ब्लड में घूम जाएगा और उसको आप बखूबी महसूस भी कर सकते हैं, कोई भी महसूस कर सकता है, जिसको शुगर नहीं वो भी महसूस कर सकता है कि कैसे शुगर नाड़ियों में एक झटके में प्रवाहित करता है। ठीक है, तो इस तरह से जितनी हमें शुगर की आवश्यकता होती है, जितनी चीनी की आवश्यकता होती है, उतना ये जो है धीरे धीरे हमारे ब्लड में डालता रहता है। कितनी अच्छी बात है कि जितना चाहिए उतना डालता रहता है धीरे 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 धीरे, है ना। तो इस तरह से जिनका जो है शुगर बढ़ा हुआ है दोस्तों, उसके लिए भी ये बेस्ट है। इसके अलावा एक खूबी और होती है दोस्तों, देखिए जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो गैस भी होता है और एसिडिटी भी होता है, और ये एक नॉन एसिडिक ग्रेन है, ये कहीं लिखी हुई बात नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये अनुभव सहित बता रहा हूँ ये वाली बात। ठीक है, वैसे तो ये सारी ही चीज़ों को मैंने अनुभव किया है, ठीक है, लेकिन पार्टिकुलरली आप इस बात को नोट कीजिए कि ये एक नॉन एसिडिक ग्रेन है। मेरे साथ अनेकों लोग जुड़े हैं, उनका भी ये अनुभव रह चुका है कि ये एसिड नहीं बनाता है। आप मान लीजिए एसिडिटी से परेशान है, ठीक है, एच पायलोरी की समस्या से जुड़े हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, क्योंकि एक वीडियो एच पायलोरी पे जो हमने किया था उस काफ़ी चली और उसके ज़रिए बहुत से लोग जुड़े हैं। तो एच पायलोरी में दोस्तों देखिए बेसिकली वो हाइपर एसिडिटी है, ठीक है, तो इस लिहाज से आपको तो ये डेफिनेटली खाना ही चाहिए, न केवल उनको बल्कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं जो मेरी डाइट को फॉलो करते हैं उनमें मिलेट्स रहता ही रहता है, ठीक है, वो मिलेट को स्किप कर ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से वो लोग जो हाइपर एसिडिटी से परेशान है, अर्थात एच पायलोरी बैक्टीरिया से परेशान है, उन्हें अपने भोजन में इसको शामिल कर लेना चाहिए। खाना कब है वो भली भांति आपको पता है, केवल शाम को ही लेना है, बाकी पूरा दिन जो है आपको रॉ डाइट पे रहना है, कच्चे पे रहना है। तो दोस्तों चलिए एक बार आपको दोबारा दिखा देते हैं, ठीक है, हाथ में लेके दिखा देते हैं ताकि आप इसे अच्छे से देख सकें। ये बेसिकली अनाज है, बहुत ही छोटा, इसका छोटा छोटा दाना होता है, ठीक है, आप देखें इसे, अब इसको पकाने और बनाने की विधि भी आपको दोस्तों बता देते हैं। इसको सबसे पहले 70-80-100 ग्राम भिगो दीजिए, एक बार में इससे ज़्यादा नहीं खा पाएंगे आप, 8-10 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए, फिर उस पानी को फेंक दीजिए, मतलब उसको साफ करके, फिर उसके बाद इसको बिल्कुल चावल की तरह बना लीजिए, जैसे घर में चावल बनाया जाता है वैसे ही बना लीजिए। इसको भिगोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें फाइबर है दोस्तों, और फाइबर जो है आप जब 8-10 घंटे भिगोएंगे ना तो बड़े अच्छे से जो है एक्टिवेट हो जाता है, और उसको पचाने में जो है हमारा जो पेट है बड़े अच्छे से उसको पचा पाता है, ठीक है, क्योंकि फाइबर ज़्यादा है, इसलिए इसको भिगोना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये स्टेप आपको भूलना नहीं है। और फिर उसके बाद जो है इसे आप खा लीजिए दोस्तों। तो अब रही बात दोस्तों इसको ख़रीदना कहाँ से, तो आप इसे ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, मैं अलग अलग साइट्स बता देता हूँ आपको जहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है, बिग बास्केट हो गया, अमेज़ोन हो गया, यहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं, और आप साइट्स देख लीजिए, बस इसमें जो है दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो ये अनपॉलिश्ड होना चाहिए, दूसरा जो है ये ऑर्गेनिक होना चाहिए। दो बातें आप नोट करके रख लीजिए कि जब आप ख़रीदेंगे तो उस वक़्त इसे दो चीज़ें ज़रूर उसमें देखेंगे कि अनपॉलिश्ड है और ऑर्गेनिक है या नहीं है, दो चीज़ें।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। इस तरह से आपको दो है दोस्तों, लिफाफे में आपको ये मिलेगा, ठीक है। आधा किलो का, एक किलो का लिफाफा जो है ये उसमें जो है आपको मिलता है। तो आप इनिशियली एक एक किलो जो है पाँचों मंगा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। धन्यवाद।